सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सब लोगों के लिए दो ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जो हमारी स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और वो दोनों वर्ड्स सभी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं। यदि आप सुनते हैं किसी के सेंटेंसेस को या फिर किसी की स्पीकिंग को सुनते हैं, तो आप जान पाएंगे कि ये वर्ड्स कितने ज़्यादा यूज होते हैं, कितने यूजफुल हैं हमारी स्पीकिंग के लिए। फ्रॉम योर स्टार्टिंग गाइज, यू नो, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू स्पीक फ्रॉम योर स्टार्टिंग, सो यू विल गेट योर फ्लुएंसी, यू नो। सो दैट्स आई एम टेलिंग यू, आपको शुरू से ही कुछ ना कुछ बोलते रहना है, ठीक है। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको शुरू से ही बोलते रहना है, कुछ ना कुछ टूटा फूटा बोलना ही है, ठीक है गाइज। बिकॉज एवरीबडी डज मिस्टेक्स, यू नो, एवरीबडी डज मिस्टेक, एंड हु डज नॉट मेक मिस्टेक ही कांट डू एनीथिंग, यू नो। So let's start our video and without doing further delay. So I would like to tell you some sentences related to has to and have to. So guys, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों words का मतलब है has to and have to। दोनों का मतलब यही है कि करना पड़ता है या फिर किसी चीज को करना है, किसी चीज को आपको करना पड़ता है या फिर उसे करना है, ठीक है। So ये दोनों सेंटेंस हमारे स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys। एंड मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का यूज जो है, अभी आगे सेंटेंस में आपको बताने से पता चल जाएगा कि इन दोनों का यूज जो है वो हमारे स्पीकिंग में एक अहम मुद्दा निभाता है गाइस। सो मैं आपको बताता हूँ इनके कुछ सेंटेंसेस, बताता हूँ मैं आपको, वीडियो में बने रहिए, आपको बताता हूँ कुछ। मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज टू का उपयोग करेंगे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप हमेशा हैव टू का प्रयोग करेंगे, ओके गाइस। सो मुझे बाजार जाना पड़ता है, सो जो मुझे है वो आपका प्लूरल है, आई मीन्स मुझे, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक मोर सेंटेंसेज रिलेटेड टू हैज टू एंड हैव टू। यू कैन स्पीक लाइक आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करना पड़ता है, आई हैव टू कॉल यू, मुझे आपको बुलाना पड़ता है, आई हैव टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना पड़ता है। सो यू कैन ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज वेरी इजिली रिलेटेड टू हैज टू एंड हैव टू गाइज, यू नो। एंड या फिर मुझे बाजार जाना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं मुझे बाजार जाना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू वीप, मुझे रोना है। सो गाइस, आप ऐसे बता सकते हैं। और आप इसको एक निगेटिव में देख लीजिए, किसका जो निगेटिव में बनेगा वो कैसे बनेगा मैं बता दूं आपको। तुमको तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, यू हैव नॉट टू गाइस, तुमको अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ता है, सॉरी तुमको अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश, तुमको बाजार जाना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू गो टू मार्केट, आपको उसे बुलाना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू कॉल हिम, आपको उसे गाली देना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू अब्यूज हिम, ओके गाइस। सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेट। सो आप ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं हैज टू एंड हैव टू के जैसे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा बोले जाने वाले ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे गाइस, ओके। सो यू कैन स्पीक लाइक आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू वीप, आई हैव टू रन, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू टेक, आई हैव टू गिव, खरीदना पड़ता है, आई हैव टू बाय, मुझे बेचना पड़ता है, आई हैव टू सेल, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय। मैं आपको बता दूं कि हमेशा
इन दोनों का हिंदी जो मतलब होगा वो मुझे करना पड़ता है या फिर करना है, जैसे कि मुझे तुम्हें पीटना है, आई हैव टू बीट यू, या फिर मुझे तुम्हें पीटना पड़ता है, आई हैव टू बीट यू। दोनों का मतलब सेम ही है, बस आपको समझना है कि अगर कोई चीज हमें करना है तो उसके लिए हम हमेशा हैज टू एंड हैव टू का यूज करेंगे, या फिर आपसे वो करवाया जाता है। अगर आपसे फोर्सफुली करवाया जाता है वहां पे भी हैज टू एंड हैव टू का यूज होगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, सो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपसे कोई काम करवाया जाता है, आप करना नहीं चाहते बट उसको आपको करना पड़ता है। सो उससे रिलेटेड मैं आपको एक दो सेंटेंस बताता हूँ, ओके। सो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए आप शुरू से ही कैसे अंग्रेजी को बोलते हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। एंड गाइस यू नो, ये जो आपका सेंटेंस है पहला वाला, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, ये आपका बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट से, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। एंड ये निगेटिव सेंटेंस है, सो यू नो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं डू और डज। सो यू गाइस, इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो यहाँ पे जो होगा डू अप्लाई किया जाएगा। सो मैं आपको बता दूं इसका ट्रांसलेशन जो होने वाला है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता बट मुझे पढ़ना पड़ता है। सो बहुत ही सिंपल होने वाला है ये, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी बट आई हैव टू स्टडी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी बट आई हैव टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं बट मुझे पढ़ना पड़ता है। यू कैन से आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी बट आई हैव टू स्टडी, आई डोंट वॉन्ट स्टडी बट आई हैव टू स्टडी, वॉन्ट टू गो वाना भी बोल सकते हैं इसे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट बट आई हैव टू गो, आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉल हिम बट आई हैव टू कॉल, मैं उसे नहीं बुलाना चाहता हूं बट मुझे बुलाना पड़ता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक बट आई हैव टू स्पीक, मैं नहीं बोलना चाहता हूं बट मुझे बोलना पड़ता है या फिर बोलना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट मैरी विथ यू, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूं बट आई हैव टू गेट मैरी विथ यू, बट मुझे आपके साथ शादी करना है, करना पड़ता है, ओके। सो दिस टाइप के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं बहुत इजिली, आप हमेशा यूज कर सकते हैं, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही है। आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू कॉलेज एंड आई हैव टू राइट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस जितने भी वर्ब्स हैं आपके पास वो आप इनके साथ अगर जोड़ने जा रहे हैं सो एक वो सेंटेंस बन रहा है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो उसके साथ साथ आपको देखते रहना है कि जो भी वर्ब्स आप यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली एक्टिविटीज में जो भी आप वर्ब्स यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग विथ दैट वर्ब्स विथ हैज एंड हैव टू, सो यू आर क्रिएटिंग अ सेंटेंस यू नो गाइस, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग गाइस। सो बता दूं आपको कि कोई भी वर्ब अगर आपके पास है, कोई भी क्रिया आपकी जारी है इसके साथ अगर यूज कर रहे हैं, जैसे आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, जो भी है आप बोल सकते हैं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं गाइस। एंड आपको बोलते रहना है शुरू से ही, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको शुरू से ही टूटा फूटा कुछ ना कुछ आपको बोलते ही रहना है, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, ओके, नो बडी इज परफेक्ट, एवरीबडी इज अ बिगनर यू, सो इवन यू आर अ बिगनर, इवन आई एम अ बिगनर, सो एवरीबडी इज अ बिगनर, सो एवरीबडी इज हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश यू नो। सो आपको भी स्टार्टिंग से ही बोलते रहना है गाइस, शुरू से ही अपनी जबान को खोलने का प्रयास कीजिए और बोलते रहिए, एकदम सिंपल अंग्रेजी बोलना, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, बट इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, यू हैव टू टेक इट लाइक अ लैंग्वेज, ओके गाइस।